आपका IBN 9 न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ गरिमा मकरानी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। नगर के सनातन धर्मशाला परिसर में विगत 5 फरवरी 2023 से निरंतर चल रही गौ कृपा कथा के तीसरे दिन में क्रम में कथा व्यास साध्वी श्रद्धा गोपाल सरस्वती जी ने कहा कि यदि किसी के घर पुत्र का जन्म हो तो हम ढोल नगाड़े शहनाइयाँ बजाते हैं, परंतु यदि कन्या का जन्म हुआ तो हमारे घर में मातम छा जाता है। ऐसा क्यों? जबकि कन्याएं तो लक्ष्मी का रूप होती है, इन्हें हमको गर्भ में ही नष्ट नहीं करना चाहिए। पुत्रियाँ दो कुल को तारती है, एक अपना स्वयं का एवं ससुराल पक्ष का। पुत्रियाँ जितना ध्यान अपने पिता का रखती हैं उतना पुत्र नहीं रखते। इसलिए जिनके घरों में पुत्रियाँ हैं वह अपने आप को सौभाग्यशाली समझे। आगे अपनी सरस एवं सरस वाणी से प्रतिवचन करते हुए हजारों की संख्या में उपस्थित महिला एवं पुरुषों को गोमाता की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि हमें अपने नवजात बच्चों को यदि नजर लग जाए तो गौशाला में ले जाकर गौ की पूंछ से नजर उतारी जाती है। महिलाओं को कमजोर ना समझे, क्योंकि महिलाएं कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम है नारी। 16 संस्कारों के बारे में विस्तार से वर्णन करते हुए कहा कि हमें केवल 2 संस्कारों के बारे में जानकारी है, एक तो विवाह संस्कार और एक अंतिम संस्कार। इसके अतिरिक्त 14 संस्कारों की जानकारी ही नहीं है, जिनमें प्रमुख रूप से नामकरण संस्कार भी है, जिनकी जानकारी अधिकांश लोगों को पता ही नहीं है। नाम का बड़ा महत्व होता है, जैसे कि राम जी का नाम, राम के नाम के पत्थर भी नहीं डूबता। राम का नाम त्रेता युग में आज भी कलयुग में भी प्रभावशाली है। करने वालों को अपने प्रवचनों में दूर रहे, अपने सनातन धर्म के बारे में विस्तार से 22 प्रसंग पर विस्तार से प्रकाश डाला। अपने प्रवचनों में सभी महिलाओं से अपील करते हुए कहा कि आप कथा का निर्धारित समय 1 तथा पंडाल में उपस्थित हो जाया करें, ताकि अपने प्रवचनों आपको प्रवचनों का लाभ मिल सके। माध्यम से कथाएं तो बहुत हो रही हैं, लेकिन इसमें हम युवाओं को अधिक से अधिक जोड़ सकें और उनको गौ सेवा के प्रति प्रेरित कर सकें, और ख़ास तौर से महिलाओं। आज हमें देखने में सबसे अधिक ये आता है कि महिलाएं भी तो अपना पॉलिथिन में कुछ तो अभी पटक देती हैं, और उससे अधिक से अधिक परेशानी गायों को सबसे बड़ी परेशानी वो है। पहली सेवा अगर जी हो जाए तो हमारा आधे से ज़्यादा संकट दूर हो जाए। इस मामले में आपको थोड़ा सा पन्नी मानी खा के सब जब कथा होती है तो 7 दिन में ये सारा विषय आता ही है। गौ से जुड़ी हुई कोई भी बात, सामान्य जो बातें हैं, वैसे तो पूरी कथा तो गौ माता के 7 दिन में तो संभव नहीं है। लेकिन सामान्य लौकिक व्यवहार में जो अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए IBN 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।